अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 मरले की लाहौर के अंदर घरों की कटिंग कैसे की जाए और बेस्ट कटिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। ये 3 मरले का हमारा प्लॉट है, थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ कट ये कर दूं कि ये हमारी बुनियाद नीचे से निकली है तो हम इसको प्लस्तर करते आ रहे ताकि बाहर अगर रोड पर कोई पानी खड़ा होता है तो वो अंदर ना जाए, और अंदर अगर हम वो जिस तरह गस्सू वगैरह डालते हैं तो वो इधर उधर फैले ना और हमारा फर्श ना बैठे, तो इसलिए हम ये अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको प्लस्तर कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत साइड हमने इसको प्लस्तर करना है और हमने इसको इस तरफ से भी प्लस्तर करना है। जो ये साइड है इसकी, ये भी हमें प्लस्तर करनी है, और मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ जो कि हमें प्लस्तर करनी है। ये प्लॉट की दूसरी साइड है जो हम प्लास्टर कर रहे हैं, और मैं आपको कटिंग के लिए बता दूं जो बेस्ट कटिंग हमने निकाली है। ये हमने गराज दी है तकरीबन 8 बाई 8 का, इसके अंदर हम सीढ़ी घुमा के इंशाल्लाह लेके जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमने पीछे किचन की कटिंग दी है, ये 6 बाई 8 की है। बुनियाद इसकी तकरीबन 3 फुट गहरी है और 3.5 फुट के करीब, और बाकी ऊपर ये 9 इंच है। बाकी इंशाल्लाह अंदर से हम इसको प्लस्तर ज़रूर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पानी स्पिल ओवर ना हो अंदर। अच्छा, ये हमारा किचन और वो आ गया गैराज, यहाँ से होगी एंट्री, ये आ जाएगी हमारी लॉबी। ओवर व्यू दिखा दूँ, ये आ गया जी लॉबी का व्यू। लॉबी के साथ ये गली आ गई है, गली के साथ यहाँ हम इसका कमरा देंगे, गेट देंगे, तो ये कमरा बन जाएगा 11-11 का। तो लॉबी प्लस किचन, किचन की वेंटिलेशन इधर गैराज में हो जाएगी। ये लॉबी कॉर्नर प्लॉट है हमारा, तो लॉबी की उधर हो जाएगी वेंटिलेशन, इस कमरे की वेंटिलेशन यहाँ होगी, और एक ये आगे 11-11 का एक और कमरा, इसकी वेंटिलेशन मेन की तरफ हो जाएगी। साथ हमने 2 अटैच वाशरूम दिए हैं इसके, इसका वाशरूम ये वाला होगा, इसका यहाँ गेट लग जाएगा, इसका वाला वॉशरूम का गेट यहाँ लग जाएगा और इस कमरे को ये अप्रोच कर देगा। ये नीचे हमारी एक खोदी है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। और अच्छा, हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी इसकी आप फिलिंग करवाएं तो ये जब मिट्टी निकल आए, जिसको पक्की मिट्टी कहते हैं, जिससे बुनियाद उठाते हैं, जिसमें ये आप मिट्टी देख सकते हैं, उसके ऊपर हमेशा आपने फिलिंग जो है घस्सू की करनी है। ये घस्सू है, इसको डालने के बाद आपने इसको गीला करके कॉम्पैक्ट करना है, पहले खुश्क कर लें, फिर गीला करके भी कॉम्पैक्ट कर लें, फिर इसमें डालें, ये बैठता जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और आउटर साइड इनर साइड पे प्लस्तर रखें ताकि ये आपका बहे ना अंदर की तरफ। और इसके ऊपर हम इसकी मज़ीद मजबूती के लिए प्लिंथ बीम डालेंगे, तो जब प्लिंथ बीम डालूंगा और फिर मैं आपको एक नई वीडियो से अपडेट कर दूंगा कि प्लिंथ बीम जो है वो कैसे वर्क करता है और उसकी मजबूती के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। और हमेशा एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में प्लास्टिक की शीट रखें, अगर इनकी सेम हमारे में ना आए, हमारी सेम इनके में ना जाए। और प्लिंथ बीम का लेवल जिधर इनकी डीपीसी है हम उस पर डालेंगे, प्लिंथ बीम जो है वो डीपीसी का भी काम कर देता है। और हम जो प्लिंथ बीम है वो 9 इंच बाई 9 इंच का डाल रहे हैं, और जो सरिया वगैरह जब बांधेंगे और शटरिंग करेंगे मैं आपको उसका आइडिया दे दूँगा, ठीक है। और हमेशा आपने ख्याल करना है कि आपका प्लिंथ बीम और उनकी डीपीसी या प्लिंथ बीम बिल्कुल एक लेवल पे हो, एक लेवल पे फर्श हो, इससे ज़मीन की सेम, या जिस तरह आप देख रहे हैं ज़मीन गीली है, तो ये ज़मीन गीली की वजह से जो है ना ऊपर सेम चढ़ती है, तो सेम जो है ना प्लिंथ बीम और डीपीसी रोक देती हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि इसका नक्शा मैं आपसे शेयर करूं, तो मैं आपसे इसका नक्शा भी शेयर कर दूँगा। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई वो मैं आपको बता देता हूँ, 16.5 फुट इसकी चौड़ाई है और ये लंबा है तकरीबन 41 फुट के करीब। और हमने वहाँ 2 साइड पे पिलर दिए कि घर को अगर ये जगह कमर्शियल होती है तो इसमें हम शॉप्स वगैरह बना सकें। तो इंशाल्लाह जब घर बन जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।